हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। देखिए फ्रेंड्स, मुझे पता चला है यहाँ पर कि कुछ कि बीएसएफ में भर्ती होने वाली है और ये सीधी भर्ती होने वाली है कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के पदों पर। ज़्यादा पद तो नहीं है बट हाँ, महिलाओं और पुलिस पुरुष दोनों के लिए ये भर्ती आने वाली है। एज देख सकते हैं फ्रेंड्स, 18 से 32 वर्ष तक एज रखी गई है और इसका एग्ज़ाम फी बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स आपको। चलिए फ्रेंड्स, मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से बताने वाला हूं और वीडियो अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके माइंड में ये शंका ना रहे। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो इससे पहले मैंने बिहार पुलिस कांस्टेबल का बनाया है तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये ब्लैकमेल मुझे मत करिए, ये कोविड-19 के प्रकोप से अभी कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं निकल रहे हैं या कोई भी जो भी है फॉर्म नहीं निकल रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अरे यार ये एग्ज़ाम फॉर्म नहीं है, ये पहले की एग्ज़ाम फॉर्म थी जिसमें वैकेंसीज थी 11,880, जिसमें 11 लाख बच्चे भरे थे, फिर भी उनको पता नहीं चल पा रहा। तो ठीक है, देख लीजिएगा आप, पहले की फॉर्म है जिसका मैंने बताया आपको रिजल्ट आने वाला है और उसका फिजिकल भी कंडक्ट होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स, मैं जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी फॉर्म लेके आता हूँ उसमें डिटेल लेके आता हूँ। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स बिना डिटेल के मैं आ जाऊँ या फॉर्म भर दूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वीडियो को। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी की गई है डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन निकली हुई है ब्लॉक नंबर 10 सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली 11-0003। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन निकली हुई है उसमें देख लेते पढ़ लेते हैं। डेट कब का डेट है फ्रेंड्स, 27 जनवरी 2020 का, फिलिंग अप पोस्ट ऑफ ग्रुप बी और सी। इसमें हेड कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल होता है कंबाइंड जो कम्बेटाइज पोस्ट होते हैं इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, एयर विंग ऑन डेप्यूटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट अब्जॉर्प्शन रीएम्प्लॉयमेंट बेसिस। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड और ऑन प्रेस्क्राइब परफॉर्मर फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग ग्रुप बी एंड सी पोस्ट, कॉम्बेटाइज पोस्ट इन बीएसएफ, एयर विंग ऑन डेप्यूटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म इन कॉन्ट्रैक्ट अब्जॉर्प्शन रीएम्प्लॉयमेंट बेसिस। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स पोस्ट वैकेंट कौन कौन से पोस्ट वैकेंट है। पे मैट्रिक्स के हिसाब से वैकेंसी कितनी रखी गई है, सीनियर एयरक्राफ्ट मैकेनिक के इंस्पेक्टर के टर्म में पे मैट्रिक्स 7 वाला 19 पोस्ट है। सीनियर रेडियो मैकेनिक इंस्पेक्टर का पे मैट्रिक्स 7 के हिसाब से 5 वैकेंसीज हैं। जूनियर एयरक्राफ्ट मैकेनिक सब इंस्पेक्टर के हिसाब से पे मैट्रिक्स 6 है जिसमें आपको वैकेंसी 17 देखने को मिल जाएगा। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे मैट्रिक्स देखिए 5 है जिसमें वैकेंसी आपको 17 देखने को मिल जाएगा। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट रेडियो मैकेनिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पे मैट्रिक्स 5 का, इसके वैकेंसी 1 देखने को मिल जाएगा आपको। सीनियर फाइट गनर इंस्पेक्टर पे मैट्रिक्स 7 के हिसाब से 5 आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाएगा। जूनियर फाइट गनर सब इंस्पेक्टर के हिसाब से पे मैट्रिक्स 6 के हिसाब से 8 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए जूनियर फाइट इंजीनियर सब इंस्पेक्टर पे मैट्रिक्स 6 के हिसाब से 7 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए लास्ट में देखिए कांस्टेबल का मेंटेनेंस का पोस्ट, इसी प्रकार से देखिए पे मैट्रिक्स 3 के हिसाब से 25 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। टोटल पोस्ट की जानकारी लेते हैं तो 114 पोस्ट टोटल है। देखिए डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबिलिटी कंडीशंस मेथड्स आर मॉडलिटीज ऑफ रिक्रूटमेंट एयरक्राफ्ट वाइज और स्ट्रीम वाइज वैकेंसीज अपडेशन एक्सेट्रा कैन बी सीन डाउनलोडेड फ्रॉम बीएसएफ वेबसाइट www.bsf.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करने के स्टेप कैसे है फ्रेंड्स, स्टेप टू सी द एडवर्टाइजमेंट फर्स्टली गो टू वेबसाइट एंड फर्दर ऑन बीएसएफ रिक्रूटमेंट द एडवर्टाइजमेंट इन इज ओपन फॉर 1 ईयर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज एज पर रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन। कैंडिडेट्स पे मे अप्लाई अप टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पर विल बी देखिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर पब्लिकेशन, यहाँ पर विल बी द लास्ट वर्किंग डे ऑफ 12th मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। याद रखिए फ्रेंड्स, एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की गई थी, ये पब्लिश की गई एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की जो एडवर्टाइजमेंट है उसके हिसाब से आपको 12 महीने तक आपको इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके अंदर में ही इसको फॉर्म को भरना है। वैकेंसीज आर क्राइटेरिया आर सब्जेक्टेड टू चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर एनी इंक्वायरी कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर दे रखे हैं फ्रेंड्स, एक्सटेंशन 2612 एंड 2658। सुधीर कुमार सिंह डिप्यूटी कमिश्नर जनरल जो है ना
एस्टेब्लिश्ड डेट 27 जनवरी 2020 का टेलीफोन नंबर आपको दे रखा है। तो फ्रेंड्स ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है ना, ये आपको एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन या एम्प्लॉयमेंट नोटिस में आपको पब्लिश की गई थी डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। तो फ्रेंड्स कैसे लगे वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए, और वैकेंसी और पे मैट्रिक के हिसाब से आपके पोस्ट वैकेंट कौन कौन से पोस्ट वैकेंट्स हैं, और ये आपको कब तक इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी करने वाला हूँ मैं, नहीं ये सर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल द्वारा ये जारी किया जाएगा। कुछ दिनों के बाद मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन या PDF आपको जारी करके दिखा दूंगा, कैसे जारी होती है वो भी दिखा दूंगा, और कैसे किस प्रकार से पब्लिश होते हैं वो भी दिखा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।